अस्सलामु अलैकुम गाइस, मैं हूं मुबशिर अली और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लाया हूं जावा आई के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है विड्रा स्टक हो चुका है। इसमें मैं भी बराबर का शरीक हूं, लेकिन कुछ अपडेट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। आप किस तरीके से विड्रा करेंगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं जिनके ऊपर ये बताया जा रहा है कि कुछ और पैसे डिपॉजिट करने होंगे और उसके बाद आपको विड्रा मिल जाएगा। कि इसमें क्या हकीकत है, इसमें कितनी सद्दाकत है, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की और मोटिवेशनल और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले इस अकाउंट की डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं कि इस अकाउंट के अंदर राउंड अबाउट $300 जो है मौजूद हैं और इससे हमने अर्निंग भी की है, लेकिन हमारा जो विड्रा है वो नहीं हो पा रहा। तो इसको कैसे हम पॉसिबल बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं और अपने फेस कैम से आप लोगों को गाइड करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, जावा आई के हवाले से कहा ये जा रहा है कि आप लोग $30 जो है और इसके अंदर डिपॉजिट करें और आपका विड्रा लगने के लिए आपका जो पेमेंट है वो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप सारी की सारी पेमेंट नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ $30 का विड्रॉ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और इस तरह की एप्लीकेशन से, इस तरह के लोगों के झांसे में आके आप लोग अपने लाखों रुपये बर्बाद करते हैं, तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ आपके जैसा बेवकूफ़ कोई बंदा है नहीं। मैं आप लोगों के सामने, ये मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, मेरे गांव के रहने वाले हैं। अब मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, इनसे पूछिएगा आज से 15 दिन पहले या 1 माह पहले मैंने इनको क्या कहा था। जी फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल भाई, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जावा आई के हवाले से जो आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल और पहले आप लोगों को क्या कहा था। जी मुदस्सिर भाई ने ये कहा था कि आप इसमें इन्वेस्ट मत करो, ये मतलब फ्रॉड भी कर सकती है, स्कैम भी कर सकती है। तो मैंने इनकी बात नहीं मानी, तो मैंने कर दिए थे। पहले मैंने 15,000 इन्वेस्ट किए थे, तो फिर कुछ दिन, 2-3 दिन बाद मैंने 45,000 और इन्वेस्ट कर दिए थे इसमें। तो 14-15 तारीख को, अप्रैल को, मतलब ये इशू हुआ है इनका विड्रा। आपने विड्रा लगाना चाहा और आपका विड्रा नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। तो क्या हुआ, क्या इशू आया उसमें? अब वो जो जितने भी थे उन लोगों ने अब कैंसिल कर दिए सारे विड्रा जो पहले लगा, मतलब कि विड्रा जो है वो आपका उन्होंने स्ट्रक कर दिया है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको और पैसे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं जी, जी, और इसके अलावा $30 मतलब आपको 10,000 आपको राउंड अबाउट कुल मिला के 10,000 रुपये आपको और देने हैं। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, क्या अभी भी आंखें नहीं खुली क्या? ये अभी भाई साहब मेरे पास पैसे जो है डिपॉजिट करवाने आए थे, मैंने इनको जो सजेशन दी है वो ये है कि आप $300 तो लॉस कर ही रहे हो, 330 मतलब के डॉलर, जब 300 आप लॉस कर रहे हो तो 30 और डॉलर लॉस करने की क्या ज़रूरत है। और मेरे भाई अब ये देखें, चलो ये तो भाई अफोर्ड कर पा रहा था, इसने इन्वेस्ट कर दिया। जो बेचारे गरीब लोग हैं, ये वो जालिम लोग हैं जो एहसास नहीं करते इन लोगों के अंदर दर्द नाम की चीज़ है ही नहीं। क्या करना होता है, जब अरबों रुपए बन जाते हैं तो ये लोग स्कैम करके भाग जाते हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई थी, जूम कैट थी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या किस किस का नाम लूँ। दिन में हज़ारों कंपनियां निकल रही हैं, हज़ारों कंपनी की पॉलिसी होती है, जब दूसरे दिन ही उनके करोड़ों रुपए बनते हैं और वो भाग जाते हैं, बाद में आप लोग कहते हैं कि यार ये काम नहीं कर रहे। भाई ये जो लफ्ज़ है ना, रिस्क है तो इश्क है, इसको भूल जाए। अगर आप लोगों ने रिस्क लेना तो और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, उसके ऊपर कोई अपनी स्किल डालें, अपना वर्क करें। आप जेन्युइनली काम करें यार, थोड़ा करें, स्लो एंड स्मूथ बट गुड वर्क, परफेक्ट वर्किंग होनी चाहिए। YouTube इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं सब दोस्तों को ये कहता हूँ, आप किसी चीज़ के अंदर अगर आपको कोई भी स्किल है तो आप उसके ऊपर उसके फोकस करें, बजाय कि आज कुछ है, आज रात है, कल दिन है और परसों दोपहर हो जाए, ऐसा नहीं है भाईजान। जो काम करना है जेन्युइन करना है, इस तरह के स्कैम से बचे। मैं आप लोगों को फिर अपील करूँगा, दोबारा पैसे इसके अंदर लगाना बेवकूफ़ी होगी, डबल बेवकूफ़ी होगी। आप लोगों को वो पैसे कम दुखेंगे, जो अब लगाओगे वो ज़्यादा दुखेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।